अभी आए नहीं सर, चलिए हो गई, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में मैंने एक दिया था क्वेश्चन आप लोग को, हो गया सबसे? सर हो सारे। माधव आवाज आ रही है? देवेंशी मानसी सीता, यस सर आ रही है। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग पहले फटाक से। यस सर। मास्क लगा के बैठो सारे लोग घर पे। फिर उधर हो गए सर, बहुत बोल रहे थे सबको सेंटर पे आने के लिए। हाँ तो खुद ही सेंटर पे है, बाकी तो कोई नहीं आया। आ सकते हैं वैसे? क्या कह रहे हो? डाउट और उन सब के लिए आ सकते हैं सर? आ सकते हैं पर अभी मत आओ, एक दो दिन रुक जाओ, पहले सिचुएशन देख लें क्या है। यस सर। यही पूछो ना डाउट, क्या परेशानी है? ठीक है सर, ऑनलाइन ही पूछ लेंगे। खुद ही बोल देंगे तुम्हें कब से आना है। आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दो दिन पता लग जाए पहले सिचुएशन क्या है। बताओ सर, पहले वाली की जो डोमेन आ रहा है वो तो सर इनफिनिट आ रहा था। क्वेश्चन क्या था पहले वाला, जरा बोलना। y is equals to 2 minus mod x minus 5। ये वाला है क्या सर? कौन सा? हाँ सर, ये जो लास्ट में था इसमें सर, ये हाँ सर, इसमें लास्ट वाला, ये mod x minus 5 वाला। हाँ सर यही वाला। इसका कितना आ रहा है आंसर? डोमेन और रेंज तो वही वो आ रही है हमारी रियल नंबर, और जो रेंज आएगा वो आएगा सर 2 से लेकर माइनस इनफिनिटी तक। 2 से, हाँ माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक ना। यस सर यही आ रहा है। मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ अगर आप बनाओगे, मॉड एक्स माइनस 5 कितना होगा? ये हो गया मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ। अरे देवांशी समझ में आया, ये मैंने ग्राफ कैसे बनाया? मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ना। माइनस इनफिनिटी से पूरा जा रहा है 2 तक। क्लियर है? यस सर। और ये स्क्रीन सर वो हो सकती है क्या? ये वर्टिकल में दिख रही सर स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल हो सकती है? हो जाएगी, अभी एक मिनट रुक जाओ, वो पेपर ही ऐसा लोडेड है पहले से। क्लियर है ना? यस सर। डोमेन इसका आ गया रियल और रेंज ही आ गई। और कोई डाउट? और सर अगला क्वेश्चन ये सर रेंज वाला। यस सर। कितना आ रहा तुम लोगों का? सर 1/3 से लेकर माइनस 1 तक आ रही है। ये वाला 1-2 cos x वाला। यस सर इस वाले की। तुम्हारी क्या आ रही है? गलत है तुम्हारी में। और किसी है निकालो सर। माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 और 1/3 से इनफिनिटी। 1/3 से इनफिनिटी। हाँ बोलो। या ठीक है, और किसी का? देखो कॉस एक्स जो होता है ना माइनस 1 से 1 होता है, करेक्ट? यस। माइनस कॉस एक्स भी माइनस 1 से 1 रहेगा। माइनस 2 कॉस एक्स कहाँ तक रहेगा? माइनस 2 से 2, करेक्ट? यस सर। और 1-2 cos x कहां से कहां तक रहेगा? यस सर 2 से 1 से 2 से लेकर 1 ऐड कर दिया दोनों साइड। यस। ये कितना आ गया? -1 से लेकर 3 तक। -1 से लेकर 3 तक है। अब 1 अपॉन निकालना है, तो मतलब ये वैल्यू एक्सक्लूड करके सारी वैल्यू होंगी। यस सर। पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू अचीव करेंगी, करेक्ट? यस सर, क्योंकि वो हाँ। यस सर। और जीरो आ रहा है बीच में कहीं, तो कोई गड़बड़ होगा नहीं। कई बार क्या होता है बीच में जीरो प्लेस कर जाता है यहाँ पे,
मतलब जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं वन अपॉन कर रहे होते हैं ना, तो बीच में अगर जीरो आ रहा होगा तो उसको हटाना पड़ता है अलग से। तभी इनफिनिटी, हाँ क्या हो जाएगा? हाँ तभी इनफिनिटी आ रहा है सर। हाँ ये नहीं, लास्ट वाला तो इनफिनिटी आ रहा है, मैं बीच की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इनफिनिटी वगैरह लिखा होता तो जीरो भी लिखते ना, तो क्वेश्चन तुम समझ जाओ क्या डोमेन में है क्या नहीं। ये रहे तो रेंज हमारी क्या आ गई फाइनल, यही होगी रेंज। यस और नो? यस सर। सर एक चीज बताइए। हाँ सर, ये मतलब अगर वन अपॉन में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? मैंने वन अपॉन ही तो किया है माधव, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है मान लो ये एक्स है कैपिटल, आ रहा है हमारा माइनस वन से थ्री के बीच में, तो वन अपॉन जो एक्स होगा, वन अपॉन एक्स, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो एक्स जो है पहले तीन से छोटा है, तो वन अपॉन एक्स, एक्स को उधर ले गए, वन अपॉन थ्री से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन एक्स हो गया वन बाई थ्री से इन्फिनिटी, और सिमिलरली ये वाला सॉल्व कर लो तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आ जाएगा, दोनों का यूनियन ले लोगे। ठीक है सर। Yes, मैंने उसको डायरेक्ट लिखा है, ये अंडरस्टूड भी है। x अगर 1 से 2 के बीच में है तो 1 अपॉन x जो होगा 1 से 2 के अलावा सारी वैल्यू होंगी, और अगर क्लोज ब्रैकेट लगा है तो उस पे भी क्लोज लगेगा, मतलब वो अचीव होता है, मतलब 1 अपॉन 1 भी तो बन, क्योंकि सर इक्वल टू का साइन लगा है। वही चीज है, क्लियर है ना? यस सर, एक सेकंड नोट करने दीजिए बस, फटाक से नोट करो। और कोई क्वेश्चन दिया था मैंने? मी हो गए सारे क्वेश्चन। हां कौन सा, क्या सर कोई और क्वेश्चन दिया था कि बन गए सारे? हां जी, एक और था सर, एक और दिया, बोलना जरा। log x square minus x plus 1, log x square minus x plus 1, हां plus 1 upon plus 1 upon under root में x square minus 7x plus 6, इसका क्या आ रहा है डोमेन? सर 0 टू 1 रेंज वो आ रही थी डोमेन, x बिलोंग्स टू 0 टू 1। हां सर, और किसी ने निकाली हो आप लोग? मैं नहीं किया क्या ये वाला? नहीं मेरे को ये बताइए, लॉग के अंदर जो होता है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए डोमेन निकालने के लिए? ग्रेटर से 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बराबर, 1 से बराबर और बड़ी, 1 से बड़ी क्योंकि सर जो ए है वो जीरो और वन के बीच में लाई नहीं कर रहा। और क्या, ये ए पॉजिटिव है तो हाँ सर कुछ भी हो सकती है, जीरो से बड़ी नेगेटिव हो जाएगा, क्या बढ़ रहा हो तो रेंज है ना, रेंज से थोड़ी ना कोई मतलब है, आप डोमेन की बात चल रही है। डोमेन मतलब व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच यू कैन इंसर्ट इन द क्वेश्चन, तो हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यस सर, बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर, इसी तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। एक्स को है माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनइक्वालिटी सॉल्व करके बताओ जरा क्या आ रही है। हां सर, एक सेकंड दो, करो करो सर, ध्यान से तुम बताना जरा क्या आ रहा है। इनइक्वालिटी कर लेती हूं, सॉल्व निकालिए सर। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा सर, डी लेस देन 0 आएगा, डी लेस देन 0 आ रहा है सर। हां सर, डी लेस देन 0 आ गया। यस डी आ रहा है, वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac less than 0 आता है। yes, sir. A जो positive है, तो ये हमेशा क्या होगा, greater than 0 होगा, तो x belongs to a greater than 0 होगा। yes sir. yes sir. ये तो हमेशा true है। रही बात इसकी, बस इसके साथ problem होगी जो भी हो सकती है। clear है कि नहीं? बताओ माधव इसका आंसर क्या है? yes sir. x square minus 7x plus 6 का आंसर क्या आएगा? हाँ सर, एक सेकंड से बता दो। तुम क्या माधव बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हो क्या? नहीं सर, वो बेड पे नहीं सर, बैठा तो टेबल में सर, वो कुछ रखने के लिए नहीं है सर, पीछे उठ के गिर जा रहा है। ठीक है, कल सेशन है तुम लोग का शाम को, ठीक है ना?
अपने मम्मी या पापा जो भी हो आपके घर में बैठा लीजिएगा उनको, उनके साथ में अगले 30 दिन में हम कैसे मतलब मेंटेन रख सकते हैं अपना रिदम ताकि टूटे ना, जो भी ऑफलाइन ना आने की वजह से टूट सकता है, के लिए ऐसा ना टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा, शाम को ही होगा 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब। क्लियर है ना, आगे में ही आंसर इसका सर इसका आ रहा है x माइनस सिक्स और x माइनस वन, इसकी मतलब शुड बी ग्रेटर देन जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, इक्वल टू जीरो हो गया तो इनफाइनाइट बन जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इनफिनिटी टू आ जाएगा सर, जो ये है माइनस इनफिनिटी टू वन और सिक्स टू इनफिनिटी ये आ जाएगा। और ये रियल है, दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे, सेम ही आएगा? सेम ही आएगा, यस सर। क्लियर है ना? क्लियर है सर। तो मैं क्लियर है कर्तव्य? यस सर क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, ट्राई करना जरा। यस सर। आज डेट कितनी है? आज डेट है सर 12। डोमेन ऑफ रूट एक्स 1/3 2x-3 लॉग में, बेस में 10 है। जब कुछ ना लिखा हो तो बेस में 10 मानते हैं, ln में बेस में e मानते हैं। yes. अलग से लिख दे रहा हूं मैं, log 2x-3। आपको डोमेन बताना, निकालो फटाक से सारे लोग साथ साथ में ही करेंगे। सर डोमेन तो इनफिनाइट, टू से लेकर इनफिनाइट तक कहां से आ रहा है? कुछ भी सर, 3/2 से इनफिनिटी, इसमें 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ सर, ये मेरा भी ये आ गया, क्योंकि वो क्यूब रूट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल लॉग से और उससे पड़ेगा, स्क्वायर रूट वाले से। बिल्कुल, क्यूब रूट से फर्क पड़ेगा कि नहीं देखते हैं। ये तो हो गया x greater than, ये d1 क्या आ जाएगा, d1 लिख लेता इसको, x greater than equal to 0, d2 क्या आ जाएगा, x not equal to 2, power 1/3 है तो negative भी हो सकता है, बस 2 नहीं होना चाहिए। और जो d3 होगा वो क्या होगा, log के अंदर ये मैटर लिखा हुआ है, ये हो गया x greater than 3/2। दोनों का क्या ले लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बताइए, बताओ माधव सर। इसका हो जाएगा 0 से 3/2 यूनियन 2 से इनफिनिटी। यूनियन नहीं ले रहे यहाँ पे, आप बताओ इशिता क्या होगा सर, d1 आपके सामने लिखा है, d2 आपके सामने लिखा है, d3 आपके सामने लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन कितना होगा? सर 2 से x should be greater than 2 होगा सर। क्या x should be greater than 2? कुछ भी, नंबर लाइन क्यों नहीं बना रहे हो इतनी देर से, हर बार गलत बता रहे हो। किसी और को आता है कर्तव्य के अलावा? सर वही 3/2 से लेकर इनफिनिटी तक माइनस 2 कर देंगे, माइनस 2। नंबर लाइन बनाओगे तो क्या हो गया, 0 ये हो गया, ये 2 हो गया, और 3/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 3/2 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे एरो लगेगा और 2 नहीं है, तो सबका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, 3/2 से बड़ा और 2 नहीं है, ऐसे लिखेंगे माइनस 2। अच्छा, 3/2 से इंफिनिटी, ठीक तो बोल रहे हो, एग्जाम में गलत करके आओगे, पता है तुम्हें ये बात,
तो इसलिए कॉपी पे बिना लिखे अगर आप बोल रहे हो इतने समझदार तो भी नहीं हो कि तुरंत ही सीख गए हो सारी चीजें, तो कॉपी पे लिख के करो ना सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लिया ना पिछला क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट लिखना वाई इक्वल टू लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। इसका आपको डोमेन बताना है, ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं। और जितने भी लोग कैमरा ऑन किए हुए हैं अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो आप मत, ऑफ किए हुए सॉरी ऑन किए हुए। जिसमें प्रखर बिल्कुल लाइमलाइट में है। सर ये भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि एंटी लॉग हटाते तो जो साइन होते वो चेंज हो जाते हैं। साइन किस चीज के? जैसे लॉग में कोई प्रॉपर्टी है सर, लॉग 2 इज ग्रेटर देन लॉग 3 ऐसा कुछ है सर, तो अगर मैं साइन चेंज बेस जो होता है ना 1 से छोटा होता है तब साइन चेंज होता है, क्योंकि वो नेगेटिव कंटेन कर रहा होगा ना बेस छोटा होने की वजह से। इनइक्वालिटी वाला रूल है कि अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बात समझे? यहाँ पे तो बेस 10 है ना, यहाँ पे वो चीज नहीं है। इसमें क्या क्या कंडीशन लगेंगी जरा प्रखर बोलो। एक तो लगेगी कि x पर माइनस 5x प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा लगेगी कि 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही, निकालो क्या आ रहा है। पहला ये हो गया केस, इससे x की वैल्यू निकाल लो, और देवांशी तुम बताना इससे x की वैल्यू क्या आ रही है जरा। अभी हम लोगों ने किया है 2 मिनट पहले, सही क्वेश्चन है। और दूसरा ये केस हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 दोनों केसेस को बाद में d1 इंटरसेक्शन d2 कर देंगे। सर आंसर आ गया 2.3, 3 से 2 आ रहा है सर, मतलब सर सी ये 2 to 3 सर। हाँ ये यस सर। तुम्हारा क्या रहा प्रखर? ये सर 2 से 3 आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, पहले वाले का क्या रहा है देवांशी बता पाओगी? x square minus 5x plus 16 greater than 0 सॉल्व कर रही हो क्या अभी? पहले वाले का आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है हमारा और a पॉजिटिव है, a 1 है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? तो याद कर लीजिए अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो, कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव है, तो हमेशा अपवर्ड रहता है पैराबोला, ऐसा वाला केस होगा। और दूसरे वाले से क्या आ जाएगा? लॉग 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 1। अब लॉग 10 है, लॉग 10 जो होगा बेस में वो पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो जब ये लॉग 10 हम मूव करेंगे तो वो 10 की पावर में चढ़ जाएगा राइट साइड में जाके, यस और नो? हाँ या ना? आप लोग तो मूर्ति बन के बैठे हो। यस सर। यस सर। अगर टी दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू हो गई 10 की पावर टी, ये तो पता ही है ना हमें कि पहली बार ही पढ़ रहे सारी चीजें। yes, sir. नहीं सर पता है। तो ये आ गया x square minus 5x plus 16 less than 10 की power 1 हो गया 10, तो x square minus 5x plus 6 less than 0, और ये आ गया x minus 2 x plus 3 less than 0, तो x value क्या हो गई? Sorry, x minus 2 x minus 3 आएगा, तो x value हो गई 2 से 3। Clear है सभी को? Yes sir. Clear है सर। ठीक है आगे बढ़े। माधव तुम्हें भी क्लियर है? नहीं क्लियर है माधव? सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना जेई का ये डोमेन ऑफ
वन अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स वन अपॉन अंडर रूट में है मॉड एक्स माइनस एक्स सर ये सारे नेगेटिव नंबर्स कौन सा ऑप्शन कौन सा हाँ सर ऑप्शन बताता हूँ ये सर माइनस इनफिनिटी से लेकर जीरो तक सर सर मेरा आ गया सर सी ऑप्शन ये ऑप्शन यस सर वही वही यस सर सी ऑप्शन जीरो नॉट इंक्लूडेड होगा बिल्कुल सही है जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्राफ बना लेते हैं मॉड एक्स ग्राफ होता है ये जो येलो से बनाया है व्हाइट से बना ले रहा हूँ एक्स का ग्राफ यहाँ पे तो बराबर होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है वहां पे मॉड एक्स और एक्स दोनों बराबर होते हैं तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा बड़ा नहीं रहेगा इस yes. एरिया में क्या होगा मॉड एक्स बड़ा होगा ये एरिया कौन सा है माइनस इनफिनिटी से जीरो वाला इस तरीके से आप तुरंत बना सकते हैं क्लियर है ना सर कौन सा एरिया बोला सर आपने ये वाला एरिया में तो क्या होगा बराबर होंगे ना दोनों मॉड एक्स और एक्स यस सर और ये वाले एरिया में क्या होगा मॉड एक्स बड़ा है कि नहीं वही तो निकालना है मॉड एक्स बड़ा कहाँ पे ये इतने एरिया में मॉड एक्स बड़ा है क्लियर यस सर आगे बढ़े यस सर डोमेन ऑफ maybe previous in one set to close bracket last of last option sound mein aa raha hai na aap log ko devanshi man singh yes sir सर डी वाला है क्या डी डी कौन सा वन टू टू क्लोज यस सर नहीं नहीं ऑप्शन आंसर ए बी और सी में से एक है सर 2.3 आ रहा है रेंज रेंज मतलब सर मतलब वो डोमेन सॉरी एक्स की तो ऑप्शन में नहीं है सर वही देख रहा हूँ मिस्टेक एक सेकंड तीन कंडीशन बना ली होंगी फिर D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 किया होगा सर वही किया सर पहले से क्या आ रहा है D1 सर x सर पहले 3 माइनस x को ग्रेटर देन 0 कर दिया तो x इज लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 यस सर
सर 2 माइनस √3 माइनस x इज ग्रेटर देन 0 2 कॉमा -1 आ रहा है सर सी ऑप्शन उल्टा उल्टा ये मतलब -1 कॉमा 2 एक ही बात है ये हो गया हमारा लेस देन इक्वल टू 2 3 माइनस x लेस देन इक्वल टू 4 तो x ग्रेटर देन -1 करेक्ट यस सर यही कर रहा है यही बन रही है यस सर यही हो गया ये भी गलती करी होगी आप लोगों ने ग्रेटर देन लेस देन की फिर अब तीसरा वाला क्या रहेगा क्या लिखा हुआ है ये हो गया 1 माइनस ये जो पूरा मैटर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा ऐसे लगा लो यहां पे लेस देन इक्वल टू 1 समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है सर नहीं है सर आ रहा है ये आ गया 1 और इसको हो जाएगा x लेस देन 2 तो माइनस 1 से 2 हो जाएगा कंबाइन करोगे तो x माइनस 2 ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है 3 जो है इनके ऊपर पूरी पूरी इनइक्वालिटी डिपेंडेंट होगी 2 से छोटा माइनस 1 से बड़ा और 3 से ऑटोमेटिकली छोटा होगा तो माइनस 1 से बड़ा 2 से छोटा क्लियर है कि नहीं यस सर बाकी लोग को जो सामने बैठे हुए उनको क्लियर है क्लियर है सर सर क्लियर है तुम लोग को देवेंद्र सिंह सीधा मान सिंह तुम्हारी सीधा आवाज नहीं निकल रही मुझे लग रहा है घर पे फोन करना पड़ेगा आपको क्या हुआ है आगे बढ़े बढ़िया सर यस सर एक दो और क्वेश्चन करते हैं पहले थोड़े ढंग के और ये क्वेश्चन ट्राई करना मसूद सर इट्स 5 o'clock इसका डोमेन निकालिए ठीक है ओके सर इस बार लॉग में बेस में जो है ना छोटी वैल्यू है 0 1 के बीच की तो नेगेटिव होगी इनइक्वालिटी पलटे yes, मतलब वो सर लेस देन कर देंगे सर उसको चेंज कर देंगे इनइक्वालिटी को लेस देन नहीं करेंगे आई यूज 0 से 1 के बीच में करेंगे ध्यान रखना उस चीज क्योंकि अल्टीमेटली तो पूरा मैटर पॉजिटिव करना है ना यस सर तो ये अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये भी होना चाहिए से वन के बीच मैं बोल रहा हूँ कि पूरा मैटर तो पॉजिटिव आना है ना जो निकलना है इससे यस सर दो नंबर है आपके पास ए अपॉन बी बी पहले से नेगेटिव है जो कि ये है लॉग हाफ ये पहले से नेगेटिव है तो जो ए है वो भी तो नेगेटिव होना चाहिए ना लॉग नेगेटिव कहाँ पे होता है लॉग नेगेटिव वहां पे होता है जहां से 0 और 1 के बीच में होता है मैं ये चीज बोल रहा हूँ यस सर बस अब ट्राई करो पहला कंडीशन क्या हो रहा है मेरे को बताओ 5x minus x square upon 4 greater than 0 इससे क्या आ गया इससे 0 to 5 आ जाएगा सर ये आ गया x x minus 5 less than 0 x belongs to 0 to 5 0 से 5 के बीच में आ गया ये पूरा सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी should be less than 1 होगा ये पूरा should be less than 1 ये लॉग के अंदर जो है हाँ सर देखो ऐसे कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा लॉग लॉग वन अपॉन ये जो पूरा लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यस और यस सर यस सर जब आप इनइक्वालिटी लोगे
तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है बेस में, तो इनइक्वालिटी जब जाएगी उधर पे तो पलट जाएगा कि नहीं, पूरा सिस्टम पलट जाएगा सर, पलट जाएगा। ये क्या हो गया, वन से छोटा, हाँ सर वन से छोटा तो है पर जीरो से बड़ा भी तो होना चाहिए, जो कि पहले ही जीरो जीरो से बड़ा बोल दिया है, पहले से भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर अब क्लियर है सर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सर। अच्छा तो यही कर रहा था सर मैं पहले, मैं लगा कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, अब जब आपने बोला वन से जीरो मैं उसी चीज को ही बोल रहा था आपको इनडायरेक्ट। सर एक बार सर ये नीचे वाला थोड़ा बता दीजिए, लॉग में जो नीचे वाला बताया है। देखो लॉग में जब आप पावर उधर चढ़ा रहे हो जाके ना, लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी लिखी हुई है, मैं एक छोटा सा आपको बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये वाली, यस सर, इस क्वांटिटी में बेस में लिखा हुआ है हाफ, बेस जब होता है जीरो से वन के बीच में तो लॉग जो होती है वो निगेटिव रहती है, यस और नो, यस सर। और उसका ग्राफ भी कैसा रहता है, ऐसा रहता है, याद है आपको? हाँ सर। तो मतलब अब मुझे रिजल्टेंट जो पॉजिटिव लाना है, रिजल्टेंट पॉजिटिव कहाँ पे है, जीरो से वन के बीच में जहां पे है, ठीक है सर। तो वही चीज आप ग्राफ से भी लिख सकते हो कि ये वन से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या मैं उसी को अलग तरीके से बोल रहा था कि जब इनइक्वालिटी इधर जाएगी तो हाफ की पावर जीरो चढ़ेगा ना, हाँ सर, हाफ की पावर वन, पर ये इनइक्वालिटी चेंज कर देगा वो साइन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर जा रहा है, जैसे माइनस एक्स जब पांच से बड़ा होता है तो एक्स जो होता है माइनस पांच से छोटा होता है, ये बात पढ़ी हमने कि नहीं दसवीं क्लास में, पढ़ी है सर, कि नेगेटिव जब आप पूरे मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन बदल देता है, पलट देता है, वही चीज अप्लाई करते हैं। अच्छा सर ठीक है, क्लियर है सर, एक्स की रेंज आ रही है 4.5। ठीक है, और इससे आ रहा है 0 to 5, तो दोनों को कंबाइन करो जरा क्या आ रहा है, डी वन इंटर 4.5, अरे नहीं एक सेकंड सर, ये वाली भी जाएगा अब, ठीक है सॉरी एक मिस्टेक की है सर, नहीं माइनस इनफिनिटी से 1 हो जाएगा और 4 to 5 हो जाएगा बस, यस और नो? अरे सर, ये जो है ऊपर वाला बंदा बोल रहा है पूरा नंबर नेगेटिव है, इसमें तो कुछ पॉजिटिव भी बंदे पड़े हुए हैं पहले से, दो चीजें लेके घूम रहा है, ये हो गया माइनस वन, सबसे अच्छा नंबर लाइन बना लिया करो यार, कभी गलत नहीं होगा, वरना तो क्यों आती आती चीजें गलत करवा दे एग्जाम में। सर 1 और 4 इंक्लूडेड होंगे? हाँ वो गोले लगा रहा हूँ ना मैं, ठीक है सर, यहाँ वन आएगा नेगेटिव वन की जगह पर, ये वन है प्लस, यस सर, यहाँ पे एरो लगेंगे, करेक्ट, कॉमन पार्ट कितना है, इतना है, यस सर, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, जीरो, जीरो में ओपन लगेगा क्लोज लगेगा, ओपन ओपन की क्लोज, ओपन ओपन ओपन, जीरो में ओपन, क्लोज 4 पे क्लोज और 5 पे ओपन, 5 पे ओपन, ठीक क्लियर है ना, क्लियर है सर, सबको सामने आ गया, हाँ सर आ गया, यस सर आ गया, नोट भी कर लो इसको फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब हर एक तरीके के हमने लॉग वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक और लॉग करते हैं, मैं लिख लो नीचे डोमेन ऑफ लॉग, टू बेस में है x माइनस 2 अपॉन x प्लस, ये x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3, ये क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं,
किसी को हिंट चाहिए हो तो वो भी पूछ लेना। सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर, ये जो जीरो जो ए है वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगा ना, ऐसा कौन बोला तुम्हें? मतलब सोचा है? नहीं नहीं उसके कोई मतलब नहीं है, लॉग में तो वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है ना, तो ये ए जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कुछ भी मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए वो तो कंपलसरी, वरना लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। दो केस बनते हैं इसके, लॉग जैसे मान लो कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है, इसके लिए आप लिख लो अपनी शॉर्ट कॉपी में कि एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बट एक्स नॉट इक्वल टू वन, वन नहीं होना चाहिए वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिवाइड में वो जीरो क्रिएट कर देगा ना लॉग वन। लो आप चाहे अपनी कॉपी पे अगर तुम्हें लग रहा हो कि हाँ मेरे को इसमें डाउट होता है, ये लिखवाया मैंने, सारे लोग लिख लेना। सर इसका जो आंसर होगा वो होगा, हेलो 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 सर, ये पूछा था अभी सर आपने बोला कि ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, तो सर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर सर ये 2 कुछ और होता यानी कि नेगेटिव तो खैर हो नहीं सकता। मैंने ऐसा कहां बोला कि a 2 पॉजिटिव है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो लॉग डिफाइन होने के लिए ऐसा होना चाहिए ना, लॉग ही नहीं। ये बताओ अगर a तो हमने जितने केसेस पढ़े दो ही केस पढ़े, 0 से 1 वाला, 1 से इंफिनिटी वाला, 0 से कभी छोटा वाला केस पढ़ा है क्या तुमने लॉग में? नहीं पढ़ा सर, उधर पे तो ग्राफ ही नहीं होता है, तो वही है। हाँ, नहीं पढ़ा तो अंडरस्टूड है कि वो वही उसी चीज को लिख लो, मतलब अपनी कॉपी में, ताकि कभी कभी होता है ना कि दिमाग से उधर जाता है, तो ये लिखवा दिया मैंने जो अंडरलाइन करके ये चीज लिखी है। सर इसका आंसर सी है सर, 2 से 2.3। इतनी जल्दी निकल गया तुम्हारा? मैं ऐसा कैलकुलेट कर लिया तो हो गया था, मैं कंफर्म कर रहा था सर मैंने किया सही है कि नहीं है। बाकी लोग क्या सर देखने आए क्या क्लास में? मीर क्या कर रहे हो तुम? कर रहे सर वही कर रहे हैं, तो वैसे भी सिर्फ देखने आई है क्लास में। सर मेरा भी आ गया सर 2-2-3। अब तो 2-2-3 तो है ऑप्शन बता। सर सी वाला लग रहा है। 2-2-3 में भी एक ही जैसे दिखने वाले हैं सारे। सी वाला सर। सी वाला आ रहा है। सी वाला है। एग्जाम में ना तो कई लोग मतलब इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू भूल जाते लगाना, सोचते हैं हम सॉल्व कर लेंगे बाद में आंसर मैच करा लेंगे, फिर ऐसे ऑप्शन दिखते हैं उन्हें, फिर बोलते हैं यार पूरा गलत हो गया वापस से आओ ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 है वो ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट इक्वल टू 1 हो, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पहला केस तो ये है, दूसरा केस क्या है, यहाँ से 9 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। आगे बढ़े नहीं बता रहा हूं मैं, आंसर आएगा सी पार्ट। नहीं सर हमें हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक कंडीशन होनी चाहिए, चलो ट्राई करना, नहीं हो पाएगा तो बता दूंगा मैं। मेरे को ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा है मैंने, आप लोग को नहीं पढ़ाया ना सर? नो सर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पढ़ाया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब इसकी कोशिश काफी हम लोगों ने कर ली है, फ्रैक्शनल के निपटा देता है। मॉड्यूलस तो करवाया ही है, मॉड्यूलस के वाले क्वेश्चन एक तो करवा देता हूँ, जो हम लोग ने वो वहां पे किए थे उस टाइम पे, वो रिवाइज भी हो जाएंगे थोड़े। एडिंग डाली अब तुमने मॉड्यूलस सुन देने सर डाल रहे हैं, सॉरी मॉड्यूलस नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मॉड्यूलस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नाम से क्या समझ में आ रहा है फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन वाला मतलब दे देगा, डालोगे 1 भूलेगा कि 1 का कोई फ्रैक्शन नहीं है, बाहर निकालेगा 0, इसके अंदर डालोगे 1.2 तो क्या बोलेगा कि 0.2 है फ्रैक्शन, बाहर फेंक देगा। ठीक है सर। यस सर। इसमें जितना में पॉजिटिव फ्रैक्शन लेते हैं, मैं आपको पिछली बार भी समझा चुका हूं ये चीज, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव। हां यस सर, जब नेगेटिव फ्रैक्शन स्पेसिफाई करेगा ना तभी नेगेटिव लेंगे, वरना पॉजिटिव ही लेते हैं।
करेक्ट। तो फ्रैक्शन का मतलब एक्चुअली में यही होता है ना, हिस्सा, एक जो हम लोग ने 8th-9th क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी चीज का हिस्सा, तो पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग। तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी फंक्शनल जो डेफिनेशन होती है वो होती है एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ये बोलता है कि भैया मेरे अंदर से मेरा इंटीजर जो पार्ट है उसे तुम ले जाओ, जो बचेगा बचेगा मेरे अंदर वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सिंपल है, क्लियर? अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए लिख ले, 0 to 1 के लिए मान लो पहले लिख रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी एक्स, 1 to 2 के लिए लिख रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रहेगी एक्स माइनस 1, 2 to 3 के लिए लिख रहे हैं एफ एक्स की, माधव कैसे लिख रहा हूं मैं जरा बताना ही सर, क्योंकि ये जो एक्स आप जो भी डालेंगे और फिर वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो माइनस हो जाएगा और बाकी का फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा मतलब ये लिखा कैसे मैंने, जब x जो है 1 से 2 के बीच में तो x माइनस 1 कहां से उड़ता हुआ चला आया सर? वो क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो वो g है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो 1 ही होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो यहां डाल रहा हूं मैं वैल्यू ये। हां सर, क्लियर है कि नहीं? कंफ्यूज मत हो जाना कि कहां पे निकल रही है ये वाला x में। म्यूट करके रख लो सारे लोग अपने। एफ एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस 1 से 0 के बीच में वो क्या हो जाएगी x प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा पीछे का रह गया सर। जरा अमीर ग्राफ बनाओ जिसका आ रहा है ग्राफ, मेरे को दिखाना जरा कैसे बनाए। यस सर, तुम्हारे पास से आवाज आ रही है कुछ होगी पता नहीं कौन करता है म्यूट करके रखो ना तुम, कोई भी हो उसका भी जीने का बराबर अधिकार है जैसे तुम जी रहे हो। हो गया माधव की नहीं? यस सर हो गया। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, हमें बनाना है 0 to 1 के बीच में x, 0 to 1 के बीच में ये हो गया x, करेक्ट? और 1 to 2 के बीच में क्या आ रहा है x माइनस 1, x माइनस 1 कैसा होगा यहां से देखना, मैं जो स्क्रीन पे बना रहा हूँ फिर आप लोग बनाएगा, x माइनस 1 ऐसी लाइन होगी, करेक्ट? ऐसी लाइन होगी, पर हमें चाहिए कितनी लाइन, हमें सिर्फ उतनी चाहिए 1 से 2 के बीच, इतनी चाहिए होगी कि नहीं? ये वाली बिल्कुल सही है, तो आंसर इसी तरीके से आगे बनाओगे ऐसा आ जाएगा। ये ऐसा फंक्शन है, उठा फिर गिर गया, उठा फिर गिर गया, तो मतलब he is trying to achieve something in life but every time he fails, वाली सिचुएशन लाइफ में भी ऐसा ही होता है कई बार। तो ये पहुंच रहा है कहां तक, पहुंचने की कोशिश कर रहा है 1 तक, पर छू नहीं पा रहा है 1 को कभी, हमेशा गिर गया है। तो हमारी डोमेन तो हो गया x बिलोंग्स टू रियल, रेंज क्या होगी मेरे को बताइए सर? 0 to 1 होगी, 1 पे ओपन में क्लोज सर, ओपन लगेगा, मन नहीं पहुंच पा रहा ना। हाँ सर, वही क्लियर है ना? नोट कर लिया? यस सर, प्रॉपर्टीज लिख लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर को ये बाहर फेंक देगा, कहेगा हमें इंटीजर नहीं चाहिए, वैसे भी हम खुद ही फ्रैक्शन और इंटीजर को लेके बैठे होंगे,
और इंटीजर का क्या करेंगे, तो कह रहा है कोई मतलब ही नहीं है और इंटीजर डायरेक्ट हो गया एक्स करेक्ट। ये क्वेश्चन ट्राई करिए जरा, एक ही प्रॉपर्टी है हाँ, बाकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें आती है मतलब, तो वो फिर उससे बनेगी ना x माइनस डब्बा x है और कुछ नहीं। अच्छा ये अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाने को बोला जाएगा बना लोगे माइनस x का डब्बा फ्रैक्शनल पार्ट, इसका ग्राफ पूरा ऐसा है ये मतलब मेरे को यानी इसका हो जाएगा r माइनस i आंसर, इसका मिरर में बन जाएगा एग्जैक्ट, इसका ग्राफ बनाएंगे माइनस x का पीछे की तरफ तीर जाएंगे पहले ऐसे जा रहे हैं। यस सर, यस सर, नेगेटिव x का मतलब यही होता है जो पॉजिटिव पे वैल्यू ले रहा था वो नेगेटिव पे लेगा वही वैल्यू, इसका सर r माइनस i हो जाएगा। गलत जवाब है तुम्हारा, और कोई सर r माइनस 0 तुम्हारा भी गलत जवाब है, और कोई सर आर होगा क्या? बिल्कुल ही गलत है, आर कैसे हो सकता है सर, इतना गलत कैसे हो सकता है, कोई भी डालने वैल्यू तो फ्रैक्शन ही तो बनना एक तरह से डोमेन डोमेन। अच्छा कोई भी वैल्यू डाल रहे हो फ्रैक्शन बन रहा है, जीरो डालो जरा क्या बन रहा है मेरे को बताओ। ठीक है सर, तो समझ में आ गया सर, माइनस इनफिनिटी टू जीरो कॉमा वन से इनफिनिटी, आर माइनस आई होना चाहिए क्योंकि सर इंटीजर भी टू जीरो होता है। और कोई बोलना चाहे सही है तुम्हारा फिगर, कोई बोल ही नहीं रहा, सिंपल तो है ये डब्बा एक्स क्या, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस डब्बा एक्स, ठीक है ना, डब्बा एक्स और एक्स कहाँ पे बराबर होते हैं इंटीजर में सर, यही तो बोलोगे कि डब्बा एक्स और एक्स बराबर नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स और एक्स बराबर नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कहाँ पे होता है, इंटीजर पे होता है तो वो घटा देंगे सारे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सर। रेंज कितनी होगी मेरे को बताओ, जीरो से इनफिनिटी, फिर से सोचो सर, जीरो से वन, वन अपॉन ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है जीरो टू वन है, उसको छोड़ करके सब कुछ होनी चाहिए, देन वन टू इनफिनिटी सर, माइनस वन टू जीरो यूनियन वन से इनफिनिटी, माइनस वन इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि वो फ्रैक्शन पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता ना। ठीक है सर, यस और नो, क्लियर है सर, यस सर, वन जो होगा क्लोज ब्रैकेट में आएगा ओपन में, सर वन सर क्लोज क्लोज में नहीं ओपन में आएगा सर, ओपन में आना चाहिए, ये वन कब होगा जब डब्बा ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वन होगा, ये कभी होता नहीं है वन, क्लियर है, क्लियर है सर, सबने नोट कर लिया सर, एक मतलब यहाँ पे ओपन क्यों नहीं लगा एक बार दोबारा बता दीजिए, ओपन ही लगाया मैंने, क्लोज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो वन नहीं हो सकता, वन अगर हो गया ना, जब वन कब होगा जब ये वैल्यू वन होगी ना तभी तो होगा वन, ये वन कब होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, कभी वन नहीं होता, ये जीरो से वन के बीच में ही घूमता रहता है, वन नहीं अचीव कर पाते इसलिए नहीं लगाया, क्लियर है कि नहीं, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, इसी में थोड़ा इंप्रोवाइज किया मैंने, डब्बा एक्स है इस बार, दो मिनट बताइए, सर इसमें तो ये होना चाहिए ना आर माइनस जीरो, बिल्कुल गलत जवाब, सर आर माइनस आई इसका भी हो गया, नहीं सर आर माइनस वन माइनस आई, आर माइनस आई प्लस वन, भाई कुछ और बचे हो तो वही बोल दे, सर इंटीजर वैल्यू में खाली वन ही आ सकता है, प्लस माइनस वन आ सकता है खाली, नहीं हो सकता, क्या परेशानी, हो सकता है ना पाँच, हो सकता है लेकिन सर इंटीग्रल वैल्यू कभी नहीं देगा ये,
रेंज में। अच्छा अच्छा रेंज डोमेन देगा कि और कोई नहीं देगा? डोमेन की बात कर रहा हूं, डोमेन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है रेंज का। R minus 0 तो होना चाहिए, मतलब 0 को छोड़ के R की कोई भी वैल्यू ले ले। R minus 0 R minus 0 सर, R minus 0 तुम जो प्रॉब आगे सब तो गलत बोल रहे हो, करता हूं तुम क्या बोल रहे हो सर? R minus 0 ही कह रहा हूं। R minus 0,1 होगा सर। हां 0,1 होगा। डब्बा x not equal to 0 होना चाहिए। डब्बा x 0 कहां पे होता है? जब x जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। ये नहीं होना चाहिए ना? ओ हां सर सॉरी, यहां मिस्टेक हो गई। ठीक है जीरो नहीं है, बाकी सब है। यस सर। ठीक है ना, जीरो क्यों नहीं होगा माधव बताओ? क्योंकि सर वो उसमें नॉट इंक्लूडेड है ना सर, ये नहीं मतलब जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना रेंज, इसलिए। सर रेंज गलत है क्या? क्योंकि सर अगर 1 को मैं किसी इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो आंसर इंटीजर कभी नहीं आएगा अगर वो 1 ना हो। फिर तो मैंने 1 अपॉन n लिखा है ना, क्या बोल रहे हो? अच्छा फिर ठीक है सर, कुछ भी होता रहे 1 अपॉन n है ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। एक और क्वेश्चन ट्राई करें? करिए दीजिए सर एक और। बाकी लोग लिख पा रहे हैं ना? जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, सही है। दिव्यांशी तुम लिख रही हो और मानसी तुम? ये करना जरा। बाकी अगर किसी को हिंट चाहिए तो ग्राफ बना के जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, बाकी सब जूझते रहेंगे हम बैठ करके अगर बाकी तो कोई भी मेथड लगाएंगे। तो ट्राई करिए मैं और सुन सा। आयुष हाँ, इसका दो तो मेरा तो आंसर दो आ रहा है अभी, मेरा नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ भाई। मिहिर
सर मैंने क्या करा सर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस जो था ना डब्बा एक्स प्लस डी इक्वल टू फोर एक्स, तो मैं फोर एक्स को इधर ले आया, फिर मेरा जीरो। तो सर फिर मैंने ये जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री को, और इक्वल टू डब्बा एक्स हो जाएगा वो। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो इसके जो रूट्स आएंगे उनके बीच में करेगा, थ्री और वन के बीच में। अच्छा कैसे सर? मैंने इसको सर मतलब सर मैं 4x को उधर ले गया था। ग्राफ बना रहे होगे ना? ग्राफ यस सर। चलो तुम 4x इधर ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सर आंसर 2 ही है क्या? आंसर 0 है सर, मेरा भी 0 आ रहा है ग्राफ में, वो टच ही नहीं कर पा रहा। 1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी। इस ग्राफ को आप अगर बनाने की कोशिश करोगे, डब्बा x पहले जो है ना वो उसका माइनस टाइम से अगर आप ड्रॉ करोगे माइनस टाइम, डब्बा क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना, पहले जो इधर जा रहे थे सारे वो नीचे पीछे पड़ने लगेंगे ऐसे। यस सर। यस सर। बोलिए ये बात सभी को, सभी को समझ में आ रही है कि जो वैल्यू अभी तक पॉजिटिव होती थी डब्बे की, ऐसी होती थी ना डब्बा स्टेयर्स ऐसे होते थे, अब ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये नेगेटिव एक्स की तरफ घूम जाएंगी, ऐसा मिरर इमेज इन वाई एक्सिस ऐसे भी बोल सकते हो इसको। क्लियर है सर? ऐसे लिख लो कि f of x और f of minus x का जो ग्राफ होता है ना, ये मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस हो जाता है f of x का ग्राफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हम लोग वैसे लिखेंगे भी, ट्रांसफॉर्मेशन वाला लिखवाऊंगा मैं पार्ट, अभी आप समझ लो ठीक है ना। और इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे माधव बताओ? इसका रखा क्या मैंने आप लोग को? हाँ सर। क्या कैसे बनेंगे इसका? वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस डी अपॉन फोर ए हो गया मिनिमम वैल्यू, वैसे बनाना हो वैसे बना लो। तो माइनस बी बाई टू ए और कॉमन डी बाई टू ए फोर ए माइनस फोर ए सी चाहते हैं 12 अपॉन फोर ए, तो ये हो गया 1 माइनस में, और ये कितना हो गया 2, तो 2 कॉमा माइनस कितना आ रहा है क्या? 2 - 1 सर इसका। और ये ओपनिंग अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स होगा? ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, अपवर्ड होगा। ऐसा कहीं भी कट करेगा क्या? नो सर, नहीं कर सर। आंसर कितना आ जाएगा? ये अलग बन रहा है, ये अलग घूमे जा रहे हैं और ये अलग घूमे जा रहे हैं, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहे, तो हम बोलेंगे ये जो सोल्यूशन है वो कितने है? 0। इस क्वेश्चन को फिर वैल्यूज रख रख के आप आंसर कैसे बताओगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं? कितनी वैल्यूज रख लो उसके बाद लगेगा यही कि काट सकते हैं इन फ्यूचर, एक आ जाए दोनों की वैल्यू, ये चक्कर है। सर मैंने सर इसको सर वैल्यू पुट करके चेक चेक किया था, देख लीजिए सही है कि नहीं है। देखो ये जो है ना, ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। बोलिए एक पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ये जो होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? Yes, sir. और ये जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स कहाँ कहाँ पे होंगे अगर हमें वो निकालना है हम लोगों को, तो रूट्स की लोकेशन हम कैसे जज कर सकते हैं बताओ? मैं कोई आइडिया किसी के पास? जीरो पे तो वैल्यू कितनी है? 3 है। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, जीरो पे पॉजिटिव है 0.3। बोलो वर्टेक्स इसका आ रहा है यहाँ कहीं बीच में, तो इसके जो दोनों रूट होंगे इस तरफ होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. ऐसा बोलो मैं। यस सर। ये एक जगह कट कर सकते थे यहाँ पे, पर हमें ग्राफ डब्बा एक्स का ही बनाना है, नेगेटिव डब्बा एक्स का बनाना है, वो ग्राफ कट गया है ऐसा, तो उल्टा चल गया है, उल्टा चल गया है, तो कहीं भी ये कट नहीं करेंगे।
करेक्ट यस यहाँ पे भी चेक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्या पता यहाँ पे कट कर जाए ऐसे वाले केस में तो आप चेक कर लो कि वैल्यू माइनस वन आ रही है कि नहीं इस ग्राफ की ये माइनस वन आएगी यहाँ पे डब्बे की वैल्यू हाँ सर लोएस्ट वाला चेक कर लेंगे बस तो स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री माइनस वन आ रहा है क्या उस एक्स पे ये चेक कर लो तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो हो गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू टू पे आ रही है ये चीज टू पे तो कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाता है ना डब्बा बोलो हाँ या ना माइनस वन पे रहा होगा ना माइनस वन माइनस वन की दस के बाद ना पड़ेगा वो माइनस टू देने लगेगा सारी वैल्यू बोलो थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं यस सर हो रहा है यस सर हो रहा है मानसी तो बिल्कुल सो रही है बैठ करके ना सही पढ़ा रहे और मैं आ रहा है कि नहीं यस सर आ रहा है सर आ रहा है सर बोलो आगे बढ़े सर एक बात पूछनी थी सर मैंने इसको इस वाले जो ग्राफ दे रखा था x स्क्वायर प्लस ग्रेटर देन फंक्शन x माइनस 4x प्लस 3 सर इसे मैंने वैल्यू पुट करके चेक कर ली थी मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की जब मैंने सर x को मैंने 0 डाला तो 3 आ रही थी जब 1 डाला तो 1 और फिर 2 डाला तो 1 और फिर जब मैंने सर 3 डाला तो सर 3 आ रही थी अब मैंने जब 1 और 2 के बीच की जो वैल्यू होगी सर 1.5 यानी कि 3/2 सर मैं जब ये पुट करी सर तब भी सर ग्रेटर ऊपर ही वैल्यू आ रही थी 1/4 यानी कि सर अगर मेरी बीच वाली वैल्यू भी अगर उसको टच नहीं कर पा रही एक्स एक्सिस को तो यानी कि सर इसकी कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इसलिए सर मैंने जीरो निकाला था ठीक है सर वो ठीक है एजम्पशन सोचने के लिए तो तरीका सही है कोई दिक्कत नहीं है बट एक्चुअली मैं मतलब कभी कभी होता है ना कि आप एग्जैक्ट अगर तुम नहीं जज करोगे जितने भी फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना अगर एग्जैक्ट हमने जज नहीं किया तो कभी कभी एक रूट एक्स्ट्रा निकल आते हैं दिक्कत ये इनके साथ तो वो तरीका सही है बट अगर हमें मेन तरीका पता है तो हम उसी के थ्रू जाएंगे पेपर में ठीक है सर ठीक है ना Okay. आगे बढ़े मैं क्वेश्चन yes, दे रहा हूँ ये आप लोग होमवर्क में करिएगा बैठ कर ठीक है ना नेक्स्ट क्लास को हम लोग थोड़ा लंबा बढ़ा लेंगे मेरा लैपटॉप आ रहा है अभी तक क्लियर है ना मेरे सारी मैटर जो है एक बार घर पे भी जाके डिवाइस कर नहीं तो मैं आएगा कुछ तो पूछ लेना ठीक है सर एक क्वेश्चन लिखो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सर ये फंक्शन की कोई शीट है क्या दूंगा अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग कर लें नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी आपको नेक्स्ट क्लास के बाद मतलब कल ये है ना ये मॉड है ध्यान रखना सारे yes. सर एक्स को रेडियन में लेके चलना है ना रेडियन होता है डिग्री लगाया रहता है छत उसके ऊपर डिग्री दिखेगा वो पहले से सर ये डी वाला ऑप्शन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या है ये लिख लो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कल बताएंगे ना आज क्यों बताएंगे सर मतलब मॉड ऑफ सर लिखा कैसा वो पूछ रहा था ये मॉड x - 2 + 1 का होल मॉड - 3 का होल मॉड तीन मॉड लगे हुए ठीक है सर 4x + 3 का मॉड माइनस टू का मॉड इसका ग्राफ बना लेना इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन है जो एडवांस का क्वेश्चन है ये अरे ये क्या है सर ये माइनस थ्री का मॉड क्यों लगा दिया सर ये समझ में नहीं आ रहा सर माइनस थ्री पे का मॉड लगा है पूरे पे मॉड है वो क्या बोल रहे हो ये क्या लिखा है सर ये वन के बाद क्या लिखा है वन के बाद ये लिख लो मैं बोल रहा हूँ एक्स माइनस टू का मॉड प्लस वन होल मॉड इनका मॉड अच्छा अच्छा समझ गया सर माइनस टू का होल मॉड समझ गया सर नेगेटिव डालेंगे ना उसका नहीं रहेगा वरना तो इसलिए नेगेटिव के बाद में उसको इंसर्ट
भाई लास्ट वाला ग्राफ बना लेना, बस ग्राफ बना के रखना, इस पे कल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 4-5 पार्ट डेज जो ये लास्ट में एफ वाला लिखा है एक बार वापस बोल दीजिए जरा सर। एफ वाला है मॉड में x²-4x+3 मॉड क्लोज फिर -2 फिर होल मॉड। यस सर थैंक यू। क्लियर है ना? यस सर क्लियर है सर। आप लोग को सर क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। नहीं होमवर्क है, हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सारे लोग करके लाइएगा। यस ठीक है ना, ट्राई किया होगा, डिस्कशन भी करेंगे, ध्यान रखना खाली नहीं बैठना किसी को भी क्लास के बाद। हां सर यस सर ओके। बाकी कल जो छोटा सा सेशन है उसके इंफॉर्मेशन आपको रात के ग्रुप में मिल जाएगी। यस ओके ठीक है सर। ओके फिर हां भाई ये सब जो टेस्ट होगा ना वो इसी का होगा, डोमेन रेंज का, जितना आप लोग ने फंक्शन पढ़ लिया होगा उतने का टेस्ट होगा इस रेडे को। ठीक है सर ठीक है ठीक है सर ओके चलो बाय। टेस्ट ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? ऑनलाइन ऑनलाइन सर। ये अविनाश सर है क्या? सर टेस्ट तो सर ऑफलाइन भी दे सकते हैं सर। कौन बोला तुम्हें ऑफलाइन दे सकते हैं? टेस्ट अपने घर पे दो ना, डाउट का ऑफलाइन रख लीजिए, बाकी क्लास भी हो सके ऑफलाइन ही कर दीजिए। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं हमें वही फॉलो करने पड़ेंगे ना, हमारे हाथ में थोड़ी ना। ठीक है मैं तो सारी बात बोल गया प्रकार, ऑफलाइन क्लास भी रख भी नहीं दिए आए सर, एक दो दिन दिन ऑनलाइन क्लास भी रख लीजिए। चलो अभी यहाँ तो कोचिंग तो नहीं आ सकते, शाम को मिलेंगे मॉल में। हाँ मॉल में मिल सकता है। चलो ओके विराम बाय बाय सर। अविनाश सर है वहाँ पर, सेंड कर लेंगे। आज बैटरी पूरी बेकार हो गई है इसकी, 8% बचा है, तो कल कंटिन्यू ज्यादा कर लेंगे क्लास। बोलो बोलो बोल सकते हो अभी जब तक जिंदा है। बोलो बोलो सर, ये अविनाश सर है क्या वहाँ पर सेंटर पर? अविनाश सर है सर, अभी आए नहीं, क्या हुआ बताओ? नहीं वो सर कुछ पूछना था सर से। नहीं अभी यहाँ पास में नहीं है सर ना, अतुल सर है यहाँ पे पास में और मसूद सर है, पूछ लेना सर से मैसेज करके या फोन करके। ब्लॉक है सर नंबर सर नंबर ही ब्लॉक कर दिया सर से। क्राइटेरिया पूछ लो कि सर मेरा नंबर आप अनब्लॉक कर दो, इसका क्राइटेरिया क्या है। चलो फिर एंड करते हैं, बाय। यस बाय सर।